Hello everyone, in this video lecture, we will learn about motors and actuators. An electric motor is an electrical machine that converts electrical energy into mechanical energy. Most electric motors operate through the interaction between the motor's magnetic field and electric current in a wire winding to generate force in the form of torque applied on motor's shaft. तो जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो कि मोटर में जब भी हम इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट को मोटर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह से हम लोगों को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ये मोटर बहुत बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ दो तरह की मोटर्स पे ध्यान देंगे, जो एक है बीओ मोटर्स एंड दूसरी है सर्वो मोटर। दिस इज अ बेसिक मैकेनिज्म ऑफ अ मोटर। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, एंड जब भी इस मैग्नेटिक फील्ड पे हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर डालते हैं, जैसे कि आप ये लूप देख सकते हैं, इसमें ये लूप बन रहा है जो, तो जब भी हम अगर किसी एक लूप में करंट को सर्कुलेट करेंगे तो वो उसमें एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग लॉरेंट्स फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स के कारण ये कंडक्टर की कॉइल घूमने लगती है। जब भी ये कॉइल घूमती है, हर बार 180 डिग्री घूमने पर इसमें करंट भी चेंज हो जाता है और ये फिर से फोर्स इसमें लगने लगता है। तो आप इसमें मैकेनिज्म इसमें इजीली देख सकते हो। ये बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी से इसमें करंट जा रहा है, और जैसे ही करंट जाना इसमें चालू होता है, इसमें एक लॉरेंट्स फोर्स लगता है। लॉरेंट्स फोर्स का आप डायरेक्शन देख सकते हो, ये ब्लू लाइन्स है और येल्लो लाइन्स से मैग्नेटिक फील्ड्स दिखा रही हैं। सो डीसी मोटर्स बहुत तरह की होती हैं। एक तो ये बीओ मोटर है जो जो कि छोटे छोटे टॉयज में यूज़ होती हैं और आर्डिनो प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ होती हैं। और फिर आती हैं ये डीसी मोटर, ये रोबोट्स वगैरह में यूज़ होती है। और फिर जॉनसन मोटर, ये जॉनसन मोटर्स आर ऑल्सो यूज इन रोबोट्स। सो व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ मोशन? सो व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ मोटर्स? एक सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस यही है कि इनमें RPM, जिनका रोटेशन पर मिनट होता है उसका, और इनका टॉर्क। ये बीओ मोटर का रोटेशन पर मिनट भी बहुत कम होता है और टॉर्क भी बहुत कम होता है। जॉनसन मोटर्स का टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, और आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ RPM की मोटर्स जॉनसन मोटर्स में मिल जाएगी। और ये जो नॉर्मल DC मोटर्स है इसमें मीडियम टॉर्क होता है और मीडियम इसका RPM भी मिल जाएगा। सो ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? सबसे तो मैंने आपको बताया था, जैसे आर्डिनो प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं हम, और जो CD प्लेयर्स में, ये CD प्लेयर्स में जो CD घुमाने के लिए होता है उसमें भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ बहुत यूजेस हैं, तो आपको हर जगह लिफ्ट में यूज़ होता है और भी बहुत सारी सारी जगह पर इसको आपको यूज़ मिल जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मोटर, दैट इज सर्वो मोटर। इट इज़ अ वेरी स्पेशल मोटर। सो लेट्स सी कि सर एक सर्वो मोटर क्या होती है। तो अ सर्वो मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन पुश और रोटेट एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेट प्रिसीजन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका जो मोटर की शाफ्ट है उसको हम बहुत प्रिसाइजली मूव कर सकते हैं, मतलब हम जितना भी चाहें हम उसको उतनी डिग्री पर इसको घुमा के सर रोक सकते हैं। हमारे पास इसका पूरा कंट्रोल होता है कि हम उसको कितनी डिग्री पर घुमाना चाहते हैं और कितना कहाँ पे हम इसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम जब रोबोट डिज़ाइन करते हैं तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमको फुल रोटेशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन हम उसको छोटे रोटेशन जैसे 120 डिग्री, 130 डिग्री, 130 डिग्री, ऐसे छोटे छोटे रोटेशन पे हम लोगों को अपना चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। ऐसे आपने कार का विंड वाइपर देखा ही होगा, उसमें जब भी पानी बरसता है तो उसमें वाइपर अपने आप चालू हो जाता है और टू एंड फ्रो मोशन होता है वाइपर का, जो पानी को हटाने का काम करता है। तो हमें उसमें पूरा रोटेशन तो चाहिए नहीं है। तो इसी तरीके से सर्वो मोटर में हमको एक पर्टिकुलर एंगल पर रोटेशन मिलते हैं, तो 120 डिग्री पर टू एंड फ्रो मोशन हमको मिल सकता है। ओके, चलो आगे देखते हैं इसमें। इफ़ यू वॉन्ट टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट एट सम स्पेसिफिक एंगल्स और डिस्टेंस, देन यू यूज सर्वो मोटर। जैसे कि मैंने बताया था, कोई स्पेसिफिक एंगल पे या डिस्टेंस पे चलाना हो तो हम इसको वहाँ यूज करते हैं। इट इज जस्ट मेड अप ऑफ सिंपल मोटर विच रन थ्रू सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म क्या होता है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा।
इफ मोटर इज यूज्ड इज डीसी पावर्ड देन इट इज कॉल्ड डीसी मोटर एंड अब एसी पावर, देखो सिंपल कुछ नहीं है इसमें, यही है कि अगर डीसी पावर हम लोग यूज करेंगे तो डीसी सर्वो मोटर उसको बोलेंगे, अगर एसी पावर हम उस यूज करेंगे तो एसी सर्वो मोटर बोलेंगे। वी कैन गेट अ वेरी हाई टॉर्क सर्वो मोटर इन अ स्मॉल एंड लाइट वेट पैकेज ड्यू टू दिस फीचर दे आर बींग यूज इन मैनी एप्लीकेशन लाइक टॉय कार, आर सी हेलीकॉप्टर, प्लेन्स, रोबोटिक्स मशीन ऐसी। ये सारी एप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही बता रखी है। तो इसका क्या है कि हमारे को बहुत छोटे पैकेजेस में और छोटी मोटर्स में हमको काफ़ी हाई टॉर्क मिल सकता है, ठीक है। तो एक हमारी जो नॉर्मल सर्वो मोटर होती है उसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो कंट्रोल कंट्रोल डिवाइस, एक आउटपुट सेंसर एंड द अदर वन इज फीडबैक सिस्टम। यहाँ पे इसको आपको काफ़ी अच्छे से इसका पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। जो ये आपको दिख रही है ये हमारी इसकी एक छोटी मोटर है जो इसके अंदर ही फिक्स रहती है। ये पूरा इसका गियरिंग सिस्टम है। गियरिंग सिस्टम हम क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका टॉर्क बढ़ाना है। हमें इस आरपीएम तो नहीं चाहिए, आरपीएम और टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमको ज़्यादा आरपीएम चाहिए तो उसका टॉर्क कम हो जाएगा, अगर हम टॉर्क कम करेंगे तो उसका आरपीएम ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो एक तो इसका कंट्रोल सिस्टम हो गया ये, जैसे इसके आपके तीन पार्ट्स थे, कंट्रोल डिवाइस, आउटपुट सेंसर एंड फीडबैक सिस्टम। तो ये है इसका फीडबैक सिस्टम जो कि पोटेंशियोमीटर है। तो अब मैं इसकी अपन तो अब अपन इसको देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि ये मेनली इम्पल्सिस पे वर्क करता है। तो हमारी जब भी सर्वो मोटर घूमती है, जो ये मोटर नॉर्मल डीसी मोटर लगी हुई है यहाँ पे, तो जब भी ये घूमती है ये गियर्स के थ्रू हमारी शाफ्ट को घुमाती है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये वाली शाफ्ट यहाँ नीचे पोटेंशियोमीटर से भी जुड़ी हुई है। तो पोटेंशियोमीटर एक तरफ का रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी ये शाफ्ट घूमती है तो पोटेंशियोमीटर भी घूमता है इसके साथ साथ, और रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो ये रेजिस्टेंस से हम लोग को वापस फीडबैक सिस्टम मिलता है। तो इसकी इसी की तरह जब भी शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट की वजह से इसका पोटेंशियोमीटर घूमेगा, और पोटेंशियोमीटर घूमने से हमको पता पड़ जाएगा कि कितना हमारी शाफ्ट घूमी है। वेन एवर दिस शाफ्ट रोटेट्स, इट रोटेट्स द मेन स्पिंडल एंड मेन स्पिंडल रोटेट्स आर पोटेंशियोमीटर। सो एज द पोटेंशियोमीटर रोटेट्स इट्स रिजल्ट इन चेंजिंग द रेजिस्टेंस एंड वी कैन इजिली मेजर द एंड वी कैन इजिली मेजर द चेंज इन रेजिस्टेंस। एज द रेजिस्टेंस चेंजेस द आउटपुट वोल्टेज विच वी आर गेटिंग हेयर द ऑल्सो गेट्स चेंज। सो द चेंज इन वोल्टेज कैन बी इजिली इंटरप्रेटेड। सो दिस इज ऑल द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आर सर्वो मोटर। नाउ वी विल गो अहेड विद इट्स पिन आउट एंड इंटरफेरेंस विद आर्डिनो। सो दीज मोटर हैव ओनली थ्री पिन्स, वन इज पी डब्ल्यू एम दैट इज ऑरेंज पिन यू कैन सी हियर, एंड द अदर वन इज रेड, रेड इज वी सी सी। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट वी सी सी इज अ 5 वोल्ट पिन एंड द अदर वन इज ग्राउंड, ग्राउंड इज अ 0 वोल्ट विच यू कैन सी हियर इजली। सो यू कैन सी हियर दैट अ ब्लैक पिन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड द रेड पिन विद दैट इज अ वी सी सी इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट एंड द ऑरेंज पिन दैट इज अ सिग्नल पिन इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 9। दिस इज अ सिंपल कोड, ये हमारा एक स्वीप करने का कोड है जिसमें हमारी मोटर की शाफ्ट 180 डिग्री स्वीप करती है फ्रॉम 0 डिग्री से, तो फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। जरूरी नहीं है कि हमारे पास वही 180 डिग्री स्पेसिफिक हो, हमें इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लाइक 210 डिग्री भी मिल सकता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया गया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा कोड है जिसको आप 180 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट आर मोटर।